यात्री हैं, कन्हैया कुमार। वो अभी अभी गुजरात से लौटे हैं और आपको जो चुनाव का अभियान था गुजरात में उसके बारे में कुछ बताएंगे और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी कुछ सवाल होंगे आपके, आप कन्हैया जी से पूछ सकते हैं। मैं कन्हैया से गुजारिश करूंगा वो 10-15 मिनट के लिए आपको संबोधित करें, आप उसके बाद आपके सवाल होंगे और अंत में हम एक फिल्म रिलीज करने वाले हैं। हम एक फिल्म रिलीज करेंगे जो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जो एक थीम है उस थीम के बारे में वो फिल्म रिलीज होगा और अगले 3-4 दिन में हर एक रोज हम एक एक फिल्म रिलीज करते रहेंगे। तो पहले कन्हैया जी आपको संबोधित करें। सबसे पहले हम भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से, सभी यात्रियों की तरफ से, भारत यात्री, अतिथि यात्री, इंटर स्टेट यात्री, सिविल सोसाइटी के लोग और ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस यात्रा में चल रहे हैं, जिनके पास किसी कैटेगरी का कोई पास नहीं है लेकिन हौसला है चलने का और एक उम्मीद उनको भारत जोड़ो यात्रा में दिखती है, उन सभी यात्रियों की तरफ से आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं वीरों की भूमि राजस्थान को, खास करके जो यहाँ के लोगों का आतिथ्य सत्कार है, जो उनका एक मशहूर पंक्ति है पधारो मारे देश, उस आतिथ्य सत्कार का हम लोग जबरदस्त आनंद उठा रहे हैं और भारी संख्या में जब से यात्रा राजस्थान प्रवेश की है लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं और ख़ास करके मैं उन लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन जिलों में हमारी यात्रा नहीं जा रही है वहां से बड़े पैमाने पे लोग 400-400 किलोमीटर 500-500 किलोमीटर चल करके आए हैं, ठंड में जो है आते हैं, रात को किसी तरह से रुकते हैं, फिर सुबह 6 बजे से यात्रा में शामिल होते हैं, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और राजस्थान की इस महान भूमि को नमन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और जब हम किसी व्यक्ति को, उसकी महानता को और उसके काम को याद करते हैं तो मेरी राय में उस व्यक्ति के जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको अपने जीवन में उतारना, यही उस व्यक्ति के लिए सही श्रद्धांजलि है, उनके विचारों को आगे बढ़ाना। और यह जो भारत जोड़ो यात्रा है वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, आपने यह बात नोट की होगी कि हम लोग कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान की नहीं संविधान की बात होगी और हम संविधान की अगर बात करेंगे जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य जब बोलते हैं इसका मतलब होता है कि शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति का चुनाव इस देश के आम लोगों के द्वारा होगा और ये जो भावना है प्रस्तावना की, इसी भावना से यह भाव पैदा होता है कि हम इस देश को नफरत की आग में नहीं जलने देंगे। जब हम कहते हैं हम भारत के लोग तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई, हम भारत के लोग मतलब हम सभी भारतीय जो इस भूभाग पे पैदा हुए हैं, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक, इस भूभाग पे रहने वाले सारे लोग मिलजुल करके समानता के अधिकार के साथ अपने दायित्वों, कर्तव्यों और अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हम देश को बेहतर बनाएं, यह जो संविधान का भाव है उस भाव को यह भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चल रहा है और हमारे देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, क्योंकि देश हमेशा देश के लोगों से बनता है, इसीलिए लोगों के जो सवाल हैं वही देश के सवाल हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग के सवाल अलग होंगे और देश का सवाल अलग होगा। अगर देश के लोग महंगाई से परेशान हैं तो यही देश का भी सवाल है, अगर देश के लोग बेकारी से परेशान हैं तो यही देश का भी सवाल है,
इन भावों को लेकर यह भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। तो आज यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत जोड़ो यात्रा के लिए, और इसीलिए इस मंच से हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। जैसा कि जयराम जी ने कहा कि हम गुजरात चुनाव से होकर के आए हैं, और इस संबंध में भी एक बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। बार बार भाजपा ने अपने कैंपेन में कहा कि राहुल जी नहीं आए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए गुजरात। बार बार ये कहा गया कि चुनाव हो रहा है गुजरात में, तो भारत जोड़ो यात्रा गुजरात क्यों नहीं जा रही है। कई मौक़ों पे इसका जवाब हम लोगों ने दिया, लेकिन वहाँ जब हम लोगों के बीच गए और लोगों से जब बातचीत की, तो लोगों ने कहा कि हम समझते हैं कि देश का भूगोल ऐसा है कि जब आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो पश्चिम में स्थित गुजरात आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं हमारे साथ हैं और गुजरात के लोगों की भावनाएं भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं, ऐसा लोगों ने बताया। और उसी बिहाफ पे हम लोग भी गुजरात चुनाव में बार बार ये कह रहे थे कि भले हम नहीं आए हैं, यात्रा भले नहीं आई है, राहुल जी कम आ पाए हैं, लेकिन गुजरात के लोगों का सवाल भारत जोड़ो यात्रा में बार बार उठाई जा रही है, क्योंकि गुजरात के लोग भी बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई से परेशान हैं, बेकारी से परेशान हैं, और नौजवानों की हालत ये है कि 22 बार वहाँ पे प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। चाहे आपको प्लस टू का प्रश्न पत्र हो या किसी नौकरी का प्रश्न पत्र हो, बार बार वहाँ पे प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। किसानों की हालत वहाँ भी ऐसी है कि उनको उनके फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं GST और नोटबंदी के चलते, उस पर बहुत गहरा बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ये सारे सवाल जो गुजरात के लोगों के हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में भी उठाया जा रहा है। एक खास बात वहाँ के चुनाव को लेकर के जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ, हमने गुजरात चुनाव में इस बार वो होते हुए देखा जो शायद इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमने ये देखा कि जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो कानून और व्यवस्था की रक्षा करेंगे, वो खुलेआम चुनावी मंचों से गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे थे, देश के लोगों को डराने की भाषा बोल रहे थे, गुजरात के लोगों को आपस में लड़ाने की भाषा बोल रहे थे। जो उनका जख्म है उसको कुरेद कर उसके ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहे थे, और ये बहुत दुखदाई था। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से संस्थाओं को पंगु बना दिया गया है। आप देखिए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि जब भारत जोड़ो यात्रा में बच्चे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हमारे खिलाफ कंप्लेन किया गया। और आप गुजरात चुनाव को जब ध्यान से देखेंगे, प्रधानमंत्री स्वयं बैठ करके एक बच्चे से जो है चुनाव प्रचार करवा रहे थे, और मैंने अपनी आंखों से अहमदाबाद में रोड शो देखा माननीय प्रधानमंत्री जी का। उस रोड शो में स्कूल के बच्चे स्कूल का ड्रेस पहने हुए हैं, उसके साथ जो है उनके शिक्षक भी खड़े हैं। उनको ये कहा गया कि आपको भीड़ जुटाना है, आपको भीड़ लेकर के आनी है। तो ये जो दोहरा रवैया है कि हमारे कार्यक्रम में बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, तब आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमारे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, और चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम जो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं उनके द्वारा बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जहाँ तक भाषा का सवाल है, बात का बतंगड़ बनाया गया हमारे अध्यक्ष जी की जो है बातों का, और आप भाजपा नेताओं की भाषा देखिए कि किस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया गया। जब आप कहते हैं कि सबक सिखा देंगे, हमने सबक सिखा दिया, अब जो है कोई कर्फ्यू नहीं होता है, ये अपने आप में एक बहुत दुखद और चिंताजनक स्थिति है। अगर इस तरह से ही संस्थाएं काम करती रही तो ये देश के लिए एक गंभीर सवाल है कि हम लोकतंत्र को आगे कैसे लेकर के जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने वाली जो संस्थाएं हैं वो इस तरीके से अगर काम करेगी तो फिर क्या होगा। आप देखिए, या तो आप ये नियम ही बना दीजिए कि चुनाव जिस दिन हो रहा है उस दिन भी प्रचार होगा, अन्यथा प्रधानमंत्री वोटिंग के दिन
उनकी उनके जो है रोड शो में झंडे लेकर के लोग चल रहे हैं और वो जानबूझकर के रोड शो निकालते हैं ताकि मतदाताओं के मस्तिष्क पे जो है एक असर डाला जा सके। चुनाव प्रचार का एक तरीका बन गया है और इस पर जो है इसी कोई कार्रवाई नहीं करती है। और ये जो प्रक्रिया से संबंधित बातें मैं आपको बता रहा हूँ उससे ज़्यादा चिंताजनक हालत ये है कि जब आम लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि इस देश में एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जिसमें हमारे सवाल उठाए जा रहे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हम बार बार कह रहे हैं कि नफरत अगर फैलेगी, गुस्सा फैलेगा तो लोगों के जो असली सवाल हैं वो गुमराह हो जाएंगे। और लोगों का असली सवाल है महंगाई और बेरोजगारी। उसी तरह से वहाँ के लोगों ने भी बताया कि देखिए हमारे राज्य में चुनाव हो रहा है और हमारे मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो रही है। कुपोषण के मामले में गुजरात की स्थिति अच्छी नहीं है और दुखद स्थिति यह है कि जिनका खुद का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उन चीफ मिनिस्टर्स को गुजरात बुलाया गया है कि आप आकर के हमारे यहाँ कैंपेन कीजिए। आप ये बताइए कि अगर 27 साल में भाजपा ने वहाँ विकास किया है तो वो विकास दिखा करके क्यों नहीं वोट मांग रहे। 50 से ज़्यादा जो है MLA के टिकट काटे गए, इसका मतलब वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे थे। अगर ठीक से काम कर रहे थे तो फिर उनका टिकट क्यों काटा गया। चीफ मिनिस्टर्स ऐसे बदले जा रहे हैं जैसे कपड़े बदले जाते हैं। ये जो स्थिति थी उस पर लोगों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। परिणाम कल परसों में आ जाएगा लेकिन ये जो पूरा का पूरा वस्तु स्थिति है उस वस्तु स्थिति को भारत जोड़ो यात्रा बहुत गंभीरता से लेती है। और हम संवैधानिक संस्थाओं को भी बचाएंगे, हम संविधान की भी रक्षा करेंगे और इस देश के लोगों को आपस में जोड़ कर रखते हुए, बार बार कहते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ है देश, जुड़ा हुआ है लेकिन देश देश के लोगों से बनता है, इसलिए लोगों को भी जोड़ के रखना है। उनकी पहचान के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा कृत संकल्प है। और लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई का सवाल, बेकारी का सवाल, टूटती हुई अर्थव्यवस्था का सवाल और इस देश के अंदर जो आम लोगों की सुरक्षा है, उन सुरक्षा के सवालों को भारत जोड़ो यात्रा अपनी यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत करते हुए, लोगों की राय लेते हुए, अपनी ना सुनते हुए सुनाते हुए, लोगों की सुनते हुए आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने तरह का एप्रिहेंशंस लोग पहले उठा रहे थे जब हम विंध्याचल के उस तरफ थे, अब हम विंध्याचल के इस तरफ आ गए हैं, वो सारे एप्रिहेंशंस टूट रहे हैं। कई सारे पत्रकार साथी यहाँ हैं जो पूछते थे कि नॉर्थ में क्या होगा। हम बार बार कहते थे जब साउथ में अच्छा है ना तो नॉर्थ में भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हम साउथ और नॉर्थ को जोड़ने के लिए निकले हैं। जब आपकी भावना पवित्र होती है, जब आपका भाव पवित्र होता है तो आपके साथ जो है परिणाम भी पवित्र होते हैं, सुंदर होते हैं। उसी सुंदर परिणाम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो कुछ देख करके कई बार आप लोग अगर विचलित होते हैं तो मैं आपको बतौर भारत यात्री और भारत जोड़ो यात्रा के बिहाफ पे एक बात कह देता हूँ कि हम लोग विचलित नहीं होते हैं। जैसे कल एक क्लिप जो है वो बहुत घूम रहा था कि कुछ नौजवान अपनी छत पे खड़ा होकर के मोदी मोदी कह रहे थे। हम बिल्कुल चिंतित नहीं हैं, हम स्वागत करते हैं उनका, वो कहें, क्योंकि हम जानते हैं वह दिन दूर नहीं है कि वो मोदी मोदी नहीं महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे। हम लोग बिल्कुल चिंतित नहीं है क्योंकि हम ये समझते हैं कि उनका जो नारा है ना मोदी है तो मुमकिन है, ये असली बात नहीं है। असली बात ये है कि मोदी है तो महंगाई है, ये बात वो बोलेंगे, मोदी मोदी की जगह जो है वो महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे, हमको इस बात का भरोसा है। और देश अपने सवालों को बहुत देर तक भुला के नहीं रख सकता है। और देश का सवाल रोजी रोटी का सवाल है, कपड़ा मकान का सवाल है, उन सवालों को लेकर के हम चल रहे हैं। और हमारा यह संकल्प है कि हर हाल में हम देश को जोड़ करके रखेंगे, किसी भी स्थिति में जो है देश को बंटने नहीं देंगे। आप सब लोग धैर्य से हमारी बात को सुने, मंच पे उपस्थित अपने साथियों और आप सब लोगों को धन्यवाद कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि जो है बहुमत बीजेपी का नहीं आएगा और ये भी नहीं कहा कि बहुमत हमारा आ रहा है।
हमने गुजरात चुनाव के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा की भावना थी वो कैसे गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई थी, गुजरात के लोगों की भावना भारत जोड़ो यात्रा से कैसे जुड़ी हुई थी ये बताया, और दूसरी बात कि चुनाव के दौरान हमने क्या ऑब्जर्व किया। हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बनाया जा रहा है और गुजरात के आम लोगों के सवाल को चुनावी चर्चा से गायब कर दिया गया है। हमने कहा कि 22 बार प्रश्न पत्र लीक हुए और मोरबी में जो है पुल गिरा, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दिया गया, चौकीदार को जेल में डाल दिया गया और चोर को भगा दिया गया, ये सवाल राजनीतिक विमर्श से गायब कर दिए गए। हमने ये बात कही। अगर आप जीतने को ही मानते हैं कि हर चीज का आधार है और कोई अगर चुनाव जीत गया है तो वह पूरी तरह से सही है, तो मैं समझता हूँ कि ये सही और गलत का देखने का सही नज़रिया नहीं है। कई बार गलत करते हुए भी लोग जीत जाते हैं, लेकिन अंततः जो है ना सही पे आना पड़ता है। और चुनाव के अंक गणितीय परिणाम क्या होंगे मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो भावनात्मक वस्तु स्थिति है और जो संवैधानिक स्थिति है मैं उस पर चर्चा कर रहा था। एक मिनट, एग्जिट पोल की एग्जिट होने का समय आ चुका है। 2018 के, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बारे में एग्जिट पोल क्या कहे थे। तो ये एग्जिट पोल के आधार पर जो आप सवाल उठा रहे हैं ये उचित नहीं है। ये एग्जिट पोल है और हम जानते हैं कैसे ये किए जाते हैं, किनके प्रभाव से किए जाते हैं और क्यों कराया जाता है। तो एग्जिट पोल के आधार पर यह कहना कि बीजेपी को भारी बहुमत मिल रही है, मैं समझता हूँ, मैं इन एग्जिट पोल पर कुछ विश्वास नहीं रखता हूँ। सर, सबसे पहली बात तो ये कि हे राम, जय सिया राम, जय श्री राम, ये इस देश के अंदर सालों से होता आया है, ऐसा नहीं है कि हम आज शुरू कर दिए हैं। रही बात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की जाने वाली बातों का, जब आप बातचीत करते हैं तो इसके कई संदर्भ होते हैं। लोग आते हैं, हमने जैसा कि आपको कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के मूल उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी है कि हम अपने मन की बात सिर्फ नहीं करना चाहते, हम लोगों के मन की बात सुनना चाहते हैं। तो जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, तो जो देश में चीज़ें चल रही है उसके बारे में लोग बात करते हैं, आप भी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का मूल उद्देश्य है? अगर ऐसा होता तो कितने पोस्टर लगे हुए हैं मुझे बता दीजिए, कितने जो है हमने पैम्फलेट लिखे हैं, कितना हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कितने जो हमने पर्चे निकाले हैं जिसमें हम इस पे बात कर रहे हैं। देखिए, हम इस तरह की चर्चा से ऐसा नहीं है कि भाग रहे हैं या हम करना नहीं चाहते हैं। चर्चा लोग कर रहे हैं तो हम उस चर्चे में शामिल भी होते हैं, अपनी भी बात रखते हैं, लोगों की भी सुनते हैं, ये एक बात है। लेकिन ये कहना कि हम मुद्दे को भटका रहे हैं जय सिया राम बोल करके, मैं कहता हूँ ये गलत आरोप है। मुद्दे को तो वो भटका रहे हैं ना जो जूते के फीते की बात कर रहे हैं, जो टी शर्ट की बात कर रहे हैं, जो कंटेनर में एसी लगा हो या नहीं लगा हो इसकी बात कर रहे हैं, लड़की का हाथ क्यों पकड़ लिया इस पे बात कर रहे हैं, बच्चे क्यों आ गए इस पे बात कर रहे हैं, मुद्दे वो भटकाते हैं। दाढ़ी की बात कर रहे हैं, बताइए, सद्दाम की बात कर रहे हैं। देखिए, ये ना एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है कि भारत जोड़ो यात्रा की जो गंभीरता है ना उस गंभीरता को कम कर दिया जाए। आप मुझे बताइए, इस देश में लोग जो है जय सिया राम, जय श्री राम, हे राम नहीं बोलते हैं, करते हैं उसकी चर्चा? हमारा देश एक धार्मिक देश है, लोग धार्मिक बात भी आकर के करते हैं। कौन सी ऐसी धार्मिक जगह है जहां हम लोग नहीं गए हैं बता दीजिए? मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, चर्च गए, सब जगह गए। लेकिन आप ये कहिएगा कि हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये बात तो नहीं है। यात्रा तो हम इस देश में जो नफरत की भावना भड़काई जा रही है उस नफरत की भावना को मोहब्बत से हराना चाहते हैं।
इस मोहब्बत की जरूरत हमको क्यों है? क्योंकि हमारी समझदारी यह है कि अगर देश एकजुट रहेगा ना, तभी वो अपने मुद्दों से लड़ पाएगा। और देश का मुद्दा क्या है? देश का मुद्दा है महंगाई, देश का मुद्दा है बेकारी। तो हम अपने लक्ष्य में बिल्कुल अस्पष्ट हैं और ना भटका रहे हैं। हम कुछ भी बोलते हैं ना, हम कोई भी बात रखते हैं या हम कुछ भी करते हैं, उस बात का बतंगड़ बनाना सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम है। अब बताइए, उस पूरे भाषण में उन्होंने एक हिस्सा ये बोला, एक हिस्सा उन्होंने इस पर चर्चा की। जब वो संतों से मिल रहे हैं, महात्माओं से मिल रहे हैं, तो वो अपना भाव उनको बता रहे हैं और उसको प्रोसेस करके अगर वो कुछ बोलते हैं तो विचार है। अब उसको बतंगर बनाने का काम तो बीजेपी कर रही है। और हमने कहा कि चलिए, ये तो कम से कम धर्म की बात है, दाढ़ी की बात करना, जूते के फीते की बात करना, ये कौन सा मुद्दा है? तो ये अटेम्प्ट जो है वो भाजपा का है। बेसिकली भाजपा सब कुछ ट्राई कर ली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, सब कुछ ट्राई कर लिया। अब ये समझ गई है कि ये यात्रा रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जो परसेप्शन वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के, हमारे नेता को लेकर के लाखों करोड़ों खर्च करके बनाई है ना, वो परसेप्शन टूट रहा है। उनको ये डर लग रहा है कि देश को यह बात याद आने लगेगी कि ये पार्टी मोहनदास करमचंद गांधी की पार्टी है, जो दांडी यात्रा लेकर के चले थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो करने में कामयाब हुए थे। तो भारत छोड़ो करने वाली जो पार्टी है, जो देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है, वो भारत जोड़ो करने में भी कामयाब होगी, इससे वो घबरा रहे हैं। इसीलिए डेस्परेशन में जो है इस तरह की फालतू और जो है बिना मतलब की चीज़ें वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बोलते हैं। एक बात बताइए मैडम, 40% वोट आया था कांग्रेस को, वो वोट वोट नहीं है, बताइए। मैं उस जगह पे नहीं जाना चाहता हूँ जिस जगह पे जाने से बहस कहीं और चली जाएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमको आता नहीं है। हमारे देश के इलेक्टोरल सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, 60% वोट जो है वो अगेंस्ट में जाता है, 40% में जो है सरकार बनती है। तो आप कह रहे हैं 40% वोट जो है वो इस बात की गारंटी है कि सब कुछ सही है, और 60% वोट जो है इस बात की गारंटी नहीं है कि कुछ गलत है। 40% वोट आया था ना कांग्रेस को 2017 में, सरकार, एक मिनट अब सुन लीजिए, सरकार हमारी नहीं बनी, तो क्या 40% लोग जो है वो सरकार से नाराज नहीं थे? और एक बात बताइए, 31% वोट लेकर के इतना ह्यूज मेजोरिटी से सरकार बनी हुई है, तो बाकी जो 69% लोग हैं उनका कोई मतलब नहीं है? देखिए, हम ना इस देश में पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इलेक्टोरल विक्ट्री पे रिड्यूस ना करें। इसका खतरा ये होगा कि फिर क्या मतलब है, क्या मतलब है मीडिया का, क्या मतलब है अपोजिशन का, क्या मतलब है पार्लियामेंट्री कमिटीज का, क्या मतलब है प्रेशर ग्रुप का, क्या मतलब है सिविल सोसाइटी का? ये बात हमारी जुबान पे डाल दी गई है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप महंगाई की बात कीजिएगा तो कह देगा हम चुनाव क्यों जीत रहे हैं, जब आप बेकारी की बात कीजिएगा तो हम चुनाव क्यों जीत रहे हैं। अरे चुनाव आप जीत रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन आप जो है बिल्किस बानो के बलात्कारी को संस्कारी कहिएगा, ये सही है? ये सही है? तो जो चुनाव जीते हैं वो जाएं और अपनी ही बेटी से पूछें कि हमने बलात्कारी को संस्कारी बोल करके आया है, ये सही है? सही को सही, सही गलत को गलत कहना पड़ेगा। चुनाव जीतना हारना एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उससे सारी चीजें सही हो जाती है, ऐसा तो नहीं है? फिर तो जहां हम चुनाव जीते हुए हैं वहां हमारी कोई गलती ही नहीं है। हम भी तो दो राज्य में सरकार चला रहे हैं, सरकार कुछ तो गलती कर रही होगी, कुछ तो गलती हो रही होगी उनसे। आपने सवाल पूछ लिया, आप बैठ जाइए, आपका मौका मिलेगा, आप प्लीज बैठ जाइए, दूसरों को मौका दीजिए, दूसरों को मौका दीजिए। यस मैम, एक मिनट, वो पूछ रही है, थोड़ा आप आराम से पूछिए। कुछ नियम के अनुसार ये चलाएं प्लीज। देखिए, एक तो हमने ठीक पहले अभी कहा,
ठीक पहले कहा उनको कि चुनाव हम जीत गए हैं, हम सरकार बना लिए हैं, तो क्या हमसे गलती नहीं होगी? हमने अभी कहा ना इस बात को। देखिए एक बात समझिए, हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में इस देश के भीतर उन नैतिकताओं को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा देश बनता है। और वो नैतिकता ये है कि अगर गलती हमारी भी है ना तो हम मानेंगे, माफ़ी मांग लेने में कोई बुराई नहीं होती है। गलती हम स्वीकार नहीं करेंगे तो उसको ठीक कैसे करेंगे? देखिए मैं आ रहा हूँ, मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप डेस्परेट मत होइए, मैं बार बार कहता हूँ, ना मैं टिपिकल लीडर हूँ ना आप टिपिकल पत्रकार होइए, क्योंकि ये टिपिकल लीडर और पत्रकार जी हमको यहाँ पहुँचा करके खड़ा कर दिए हैं। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। गलतियाँ अगर हुई है या हो रही है उसको डिफेंड नहीं करेंगे, उसको मानेंगे, एक बात एकदम दिमाग में डाल लीजिए। और दूसरी बात कि हम उस स्थिति में नहीं हैं और ना हम रहना चाहते हैं कि हमसे अगर कोई गलती होगी तो उसको ठीक नहीं करेंगे, हमको ठीक करना पड़ेगा। आप मैं गुजरात चुनाव गया और ये दो बात मैं बार बार बोल रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो राजस्थान में लागू हुआ ना, जो संविदा कर्मी थे उनको परमानेंट किया गया ना। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अगर मैं होता ना सरकार का प्रवक्ता तो मैं आपको सीधे जवाब दे देता कि प्रश्न पत्र लीक करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और बेरोजगारी का जो महंगाई का सवाल है उस पर सरकार जो है उत्तरदायित्व से काम करेगा। मैं हूं नहीं, जब आएंगे तो पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं अपने आत्मविश्वास से कम भारत जोड़ो यात्रा ने जो हमको ये आत्मविश्वास दिया है और एक भारत यात्री होने के नाते मैं इतना आपको जरूर कह सकता हूं। प्रवक्ता होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, बाकी सीनियर लीडर हैं वो जवाब दे देंगे, लेकिन गलत को हम लोग डिफेंड नहीं करेंगे। रुकिए मनीष जी, मनीष एबीपी, देखिए सर ने कह दिया कि एग्जिट पोल जो है वो एक बहुत बड़ा धोखा है और इस यात्रा का उद्देश्य जो है वो धोखाधड़ी करना नहीं है लोगों से, इसीलिए इसका कोई एग्जिट पोल नहीं आएगा। मैं बार बार कहता हूँ इस यात्रा का उद्देश्य इलेक्शन नहीं, इमोशन है। हम इमोशन को जोड़ने के लिए चले हैं, इलेक्शन अपने आप उसका अगर प्रोसेस ठीक रहेगा, उसकी प्रक्रियाएं ठीक रहेगी, संस्थाएं ठीक से काम करती रहेगी तो इलेक्टोरल रिजल्ट भी उसके अपने आप आ जाएंगे। मनीष जी देखिए एक बात तो ये है कि हम जो बोल रहे हैं और जयराम जी जो बोल रहे हैं इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। आपने जो